मेरा नाम डॉक्टर योगेश वाघेला है, मैं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हूँ फिनिक्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। दोस्तों, मैं आज हमारे एक पेशेंट के बारे में बात करूँगा जो बहुत ही लंबी ट्रीटमेंट के बाद आईसीयू से आज सक्सेसफुली कंडीशन में घर पे डिस्चार्ज हो रहे हैं। पेशेंट हमारे पास आए थे, इन्फेक्शन दोनों फेफड़े में बहुत ज़्यादा पानी, किडनी फेलियर, सारे प्रॉब्लम की वजह से पहले उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, हायर एंटीबायोटिक, ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करने वाली मल्टीपल मेडिसिंस, इवन एक पॉइंट पे तो उनको डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ी। लेकिन इन सारी सिचुएशन में से पेशेंट बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट ले के आज 18 दिन पेशेंट हॉस्पिटल पे रहा है, उसमें से 13 दिन को वेंटिलेटर मशीन की भी ज़रूरत पड़ी है। इन सब चीज़ों के बाद आज पेशेंट बहुत ही अच्छी कंडीशन में घर जा रहा है। हम पेशेंट की वाइफ से बात करेंगे। मैडम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस सिचुएशन में लाए थे आप? बहुत सरस, बहुत सरस। हाँ, संक्षेप में बताइए कैसे आए थे आप और क्या हुआ? बहुत सरस बताए, हमारा तो कोई उम्मीद याद नहीं था, पर साझा कर ही दीदा हमने डॉक्टर ही, बस अस्ता आवा ले जाइए, बस हमारी इच्छा थी। दोस्तों, मैं आपको यही बताने चाहूंगा, जब आज के दिन में भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पेशेंट वेंटिलेटर पे गया उसका मतलब वो बच नहीं पाएगा। मैं हर बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि वेंटिलेटर लाइफ का एंड नहीं है। वेंटिलेटर बॉडी को ट्रीटमेंट करने के लिए टाइम मिले उसके लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, तो उससे डरना नहीं चाहिए। अगर सही समय पे पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिले तो हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। थैंक यू।